तो लागे मोरा बोले पिया बोले 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 मोरा बोले पिया मैं बोलू तो लागे मोरा बोले पिया बोले 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 मोरा बोले पिया हर काम मोरा पिया कराए मैंने तो कुछ ना भी किया कुछ ना किया कुछ ना किया कुछ ना किया पिया पिया ने मैं मां मोरी हो गई हो गई हो गई हो गई हो गई ओ सही ओ हाँ सही ओ नी सही ओ मैं तो पीर मेरे की हो गई सुनो सही ओ मैं तो पीर मेरे की हो गई हाँ सही ओ उन दो देखा उनमें को गई धन सतगुरु तेरा ही आसरा मजलिस का कार्यक्रम शुरू हो रहा है और जो भी सात संगत पंडाल से बाहर हैं आप सभी से प्रार्थना है कृपया जल्दी से मजलिस पंडाल में आकर बैठें जी। आपके पास कोई भी सामान है तो आपने अपने सामान को साथ लेकर नहीं बैठना और न ही अपने सामान को पंडाल में कहीं पर भी छोड़ना है जी, बल्कि आपने अपने सामान को सामान समिति में जमा करवाकर फिर ही बैठना है। और आपके पास कोई भी कीमती सामान या नगदी इत्यादि ज्यादा हो तो आप उसे अमानत के तौर पर आश्रम के कमरा नंबर 7 में जमा करवा दें और जब आप वापस घर जाएं तो अपना सामान निकलवा कर ले जा सकते हैं। इससे आपको अपना सामान गुम होने का डर नहीं रहता और आप यहां निश्चिंत होकर सेवा कर सकते हैं, सत्संग मजलिस सुन सकते हैं। आपके साथ अगर कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा जीव आया है जिसकी दिमागी हालात ठीक नहीं या कोई छोटा बच्चा आपके साथ आया है तो आप उसकी भी संभाल क्या करें, उसका हाथ पकड़कर रखा करें। और आपके पास कोई भी मोबाइल फोन, रिमोट वाली चाबी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान, कांच की बोतल, थर्मस इत्यादि इस प्रकार का कोई भी सामान है तो वो आपने आश्रम में साथ लेकर नहीं आना, बल्कि जहां पर सामान जमा होता है वहां जमा करवाकर फिर ही आप सत्संग पंडाल में आकर बैठें जी। तो जब भी सात संगत पंडाल से बाहर हैं कृपया जल्दी से मजलिस पंडाल में आकर बैठें, क्योंकि पूजनीय गुरु जी के वचन है कि जैसे ही आप मजलिस पंडाल में आकर बैठ जाते हैं और यहां जो भजनवाणी हो रही होती है उसे आप ध्यानपूर्वक श्रद्धापूर्वक सुनते हैं तो तभी से ही आपको सत्संग का फल, मजलिस का फल मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए आपसे प्रार्थना है बाहर कहीं भी बैठने के बजाय, बाहर कहीं घूमने के बजाय आप मजलिस पंडाल में आकर सात संगत के साथ मिलकर बैठें। तो मजलिस का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, सभी ने मिलकर नारा बोलना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। आश्रम के सतब्रह्मचारी सेवादार भाई प्रार्थना का भजन बोल रहे हैं जी। इनके वार प्रेमी इंद्रप्रीत इंसान भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुर बख्श दो तुसी बख्शन हार जी साडी अरज बनाउंदा तार जी। सतगुर बख्श दो तुसी बख्शन हार जी साडी अरज सुनाउंदा तार जी। हां साडी अरज सुनाउंदा तार जी। हां साडी अरज सुनाउंदा तार जी। ओ सतगुर बख्श दो तुसी बख्शन हार जी। सतगुर बख्श दो तुसी बख्शन हार जी साडी अरज सुनाउंदा तार जी। सतगुर
असी प्यारे दाता जी सारा जीवन ही पापा च बिताता जी कीते बहुत ही स्वास बेकार जी हां कीते बहुत ही स्वास बेकार जी ओ साड़ी अरज सुनो दातार जी सी तेरी फुलवाड़ी जी साड़ी रक्षा करो बागे दे माली जी तो जा आनंद तुसी रचन हार जी हां दो जा आनंद तुसी रचन हार जी हो साड़ी अरे जी सुनो दातार जी जी हो गईयां देख काल दे खिलौने असी खो गईयां कर मेहर साडा करो छुटकार जी हां कर मेहर साडा करो छुटकार जी ओ साडी अरज सुनो दातार जी सतगुर बख दो तुसी बख्शन हार जी साड़ी अरज सुनो दातार जी नाम जी मालिक प्यारिया सानू पापियां नु सीने नाल लालिया कीता बहुत वड्डा उपकार जी हां कीता बहुत वड्डा उपकार जी ओ साडी सुन ले दाता पुकार जी सतगुर शाह सतनाम जी दातार जी साड़ी सुन ले दाता पुकार जी साडे पापियां दे करम उठाए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा परमेंद्र प्रीत इन सांप्रदायिक बोलने के लिए आ जाएंगे जो विश्वास अंदर पंडाल से बाहर है कृपया जल्दी से मजलिस पंडाल में आकर बैठे और जो बहने भाई यहाँ खड़े हैं कृपया सभी प्रेम से अपने अपने जगह पर बैठ जाएंगे
जी स्टेज पर बता रहे हैं, सबने सत्कार में नारा बोलना है। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा, प्रेमी इंद्रप्रीत इंसान सरसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद सतब्रह्मचारी सावदार दीपन जी इंसान भजन बोलने के लिए तैयार रहें जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। मानस जन्म का लाभ उठाना, नाम ध्याना भूल न जाना। मानस जन्म का लाभ उठाना, नाम ध्याना भूल न जाना। मानस जन्म का प्रभु मिलने की मिली है ये वारी, कन सोन का मोह में जाता गुजारी। अनमोल हीरे को यूं ना गवाना, नाम ध्याना भूल ना जाना। मानस जन्म का जन्मत तूने पहले और भी पाए, ऐसा जन्म हाथ जल्दी न आए। हाथ से गया फिर पड़े पछताना, नाम ध्याना भूल न जाना। मानस जन्म का साथ न जाए कुछ भी धन जो कमाए, जिसके लिए सारी उम्र गवाए। सच्चा सार धन राम नाम का कमाना, नाम ध्याना भूल न जाना। मानस जन्म का करना जो शुभ काम आज ही कर ले, फिर क्या करे जब आएगी पर ले। कहे शास्त्र नाम जी होना पड़ेगा रवाना, नाम ध्याना भूल न जाना। मानस जन्म का लाभ उठाना, नाम ध्याना भूल न जाना।
मानस जन्म का। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतवरम तरिचौदार दीपन जी इंसान भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इंसान भजन सुनाएंगे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नाम सच्चा मीत है और झूठी प्रीत है, नाम बिना बाजी हारे नाम जपे जीत है। नाम सच्चा मीत है, सच्ची चीज संत बताए। नाम और मौत को ना दिल से भुलाए, जिस काम आया काम बताए। श्वास श्वास में नाम ध्याए, कल पे न छोड़ो काम आयु रही बीत है। नाम बिना बाजी हारे नाम जपे जीत है, नाम सच्चा मीत है। नजर आए सब है पानी, गरीब अमीर रहे राजा नरानी। माया के पीछे हुई दुनिया दीवानी, दिन रात भरती है इसका ही पानी। साथ कुछ जाना सके कुदरत की रीत है, नाम बिना बाजी हारे नाम जपे जीत है। नाम सच्चा मीत है, कमाया। कहीं शासक नाम जी मन
जीत जग जीत है, नाम बिना बाजी हारे नाम जपे जीत है। नाम सच्चा मीत है और झूठी पीत है, नाम बिना बाजी हारे नाम जपे जीत है। नाम सच्चा मीत है। धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जिथों मिले सच्चा सबनू प्यार दात्या, जिथों मिले सच्चा सबनू प्यार दात्या, रहे वसदा तेरा दरबार दातिया। जिथों मिले सच्चा सबनू प्यार दातिया, रहे वसदा तेरा दरबार दातिया। सच्चा सबनू प्यार दातिया, प्यार दातिया। सीने नाल ला लेंदे हो, दुख सारियां दे चोली च पवा लेंदे हो, देमो बदले च, देमो बदले च खुशी दे भंडार दातिया, रहे बसदा तेरा दरबार दातिया। सच्चे सौदे दरबार नाल जुड़ी के बन जावे पारस दतार नाल जुड़ी के, हरी काजियो दा देवे तू सवार दातिया, रहे वसदा तेरा दरबार दातिया।
जिथो समादा सत चल बिच कर दियो बहार दातिया रहे बस दा तेरा दरबार दातिया नाम जीत दल मालिक जी सजनवा जी प्यारी सत्संग जी सच्चे दाता रहबर के पवित्र वचन भजन द्वारा आपकी सेवा में अर्ज करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय अच्छे काम करो और नाम जपो ये संत सभी को कहते हैं विश्वास करें प्रभु से डरें वो सदा सुखाले रहते हैं सकता ही नहीं वो नाम को कैसे जप सकता हो वो नाम को कैसे जप सकता बुरे कर्म रुकावट भारी है ये नाम जपन ना देते हैं मंजिल पर कैसे पहुंचे
हो मंजिल पर कैसे पहुँचे, कभी गिर जाए कभी उठ जाए, मंजिल से दूर ही रहते हैं। आशिक करी प्रभुष करी वो सदा सुखाले रहते हैं। बिल्कुल साफ होए फिर पहुंचना कोई मुश्किल नहीं, ओ फिर पहुंचना कोई मुश्किल नहीं। दासाब किया और नाम लिया बेफिक्र खुशी से रहते हैं। विश्वास करें प्रभु से डरें वो सदा सुखाले रहते हैं। अच्छे काम करो और नाम जपो ये संत सभी को कहते हैं। बड़ा पदार्थ दुनिया में इस जैसी कोई चीज नहीं, ओ इस जैसी कोई चीज नहीं। जो गाए मुक्ति को पाए स्वामी जी वचन ये कहते हैं।
वचनों में विश्वास करे वो जीव है नाम दे आ सकता, ओ जीव है नाम जा सकता। बिन अमल इलम ना काम आए, जस नाम जी हरदम कहते हैं। विश्वास करें प्रभु से डरें, वो सदा सुखाले रहते हैं। अच्छे काम करो और नाम जपो, ये संत सभी को कहते हैं। विश्वास करें प्रभु से डरें, वो सदा सुखाले रहते हैं। धन धन सतगुरु तेरा भी यस। तो अभी आपने भजन में सुना, अच्छे काम करो और नाम जपो। इंसान अच्छे कर्म करे, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपे, ईश्वर का नाम जपे। इस ये संत सत्संग में जीवों को समझाने के लिए आते हैं। नाम जपो, नाम जपने से अंत्यकरण शुद्ध होता है, दिलो दिमाग में पवित्रता आती है, जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं और इंसान मालिक की दया में रहमत के काबिल बनता चला जाता है। और नाम जपता है तो अच्छे कर्म भी करने चाहिए। ये नहीं कि नाम जपे और अहंकार दिखाए कि मैं नाम जपने वाला हूं, जी नहीं। दीनता नम्रता, बेपरवाह जी ने फरमाया है, नाम ध्याने वाले अहंकार में ना आना, करी कराई भक्ति माटी में ना मिलाना। नाम जपना अति उत्तम धंधा है, लेकिन इंसान अपनी आत्मा के लिए, परिवार के लिए, कुलों के उद्धार के लिए, परमानंद के लिए सुमरण करता है, इसमें फिर अहंकार या हेंकड़ी किस बात की। किसी दूसरे पे रो मत डालो कि मैं सिमरण वाली बाड़ी हूं, या ये मत दिखाओ कि मैं सुमरण करता हूं। करते तो आप अपने घर में करो, किसी को तकलीफ क्यों देते हो। सुबह जल्दी उठते हो, ठीक है, हाथ मुंह धो लो, सुमरण करने लग जाओ। शोर थोड़े ना मचाना, चाय बनाओ, ये करो वो करो, क्या हो रहा है, ऐसे लग रहा है जंग जीतने जा रहे हैं। क्यों मैं नाम जप रहा हूं? अरे भाई, नाम जपना है कि सारे परिवार को फांसी पे चढ़ाना है? सुमरण करो, चुपचाप उठो, किसी को पता क्या चल जाए। नहाना है तो नहा लो, भरो पानी की बाल्टी और नहाओ, और पालथी मार के सुमरण करो, बस भक्ति इबादत करो, दीनता नम्रता धारण करो। क्योंकि जो अहंकार करते हैं उनका सुमरण में मन नहीं लगा करता कि मेरा मैं सुमरण वाली बॉडी हूं, ऐसा कुछ नहीं होता। मालिक ने सबको ही सुमरण वाली बॉडी बना के भेजा है, सुमरण करता कौन है ये बात अलग है। किसी बात पे अहंकार ना करो, उसके नाम का सहारा है तो सारी सलामे हैं, और उसके नाम का सहारा नहीं तो कोई पूछता नहीं। उसको ना भूलो जिसके नाम का सहारा है, गढ़ में उसके नाम का, मालिक के प्यार मोहब्बत का अगर पटा है तो हर कोई सलाम करता है, हर कोई नमस्कार करता है, और जब ये पटा उतर जाता है तो कोई बात नहीं पूछता। फिर तो दर दर जाए दूर दूर होए, कहीं भी जाता है हर कोई कहता छोड़, ये तो किसी का भी नहीं बन सकता। तो आदमी को हेंकड़ी नहीं करनी चाहिए। अपने गुनाह नहीं आदमी देखता, दूसरों के गुनाह गाता है, दूसरों की कमियां बताता है, खुद की कमियां स्वीकार नहीं करता। सारे भूल जाते हैं कि पहले अपनी कमियां तो सुधार लो, फिर दूसरों में कमियां निकालना। तो भाई, अच्छे काम करो और नाम जपो, अच्छे कर्म करो, सबका भला करो, सबका भला मांगो। जो आदमी नाम नहीं जपता वो कुछ नहीं कर सकता, अच्छाई नेकी पे चरम सीमा पे नहीं पहुंच सकता। दृढ़ यकीन करो, प्रभु से डरो, दृढ़ यकीन होना चाहिए।
और उस मालिक से डर के रहो। नाम जपता है, सबका भला करता है, दृढ़ विश्वास रहता है और मालिक से डरता है, वो इंसान हमेशा खुश रहता है। मालिक का रहमो करम उस पर मूसलाधार बरसता, उसे एहसास होता है। जब तक आपका विश्वास पारे की तरह डगमग करता है, आप मालिक की दया में रहमत को नहीं हासिल कर सकते। दृढ़ विश्वास, दृढ़ यकीन होना चाहिए, तभी मालिक की तमाम खुशियों के हकदार बन पाओगे। आदमी दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाता है, मैं फलां की वजह से दुखी हूं, फलां ने मुझे दुखी किया, फलां ने मुझे दुखी किया। हम कहते हैं ये सब झूठ है, आदमी अपने कर्मों की वजह से ज्यादा दुखी है। इस जन्म के कर्म होंगे या फिर पिछले जन्म के, अगर पिछले जन्म के पाप कर्म हैं तो उसको खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए आपने कितना नाम जपा है, कितना सुमरण किया है। आप कहते हैं भाई इस जन्म में मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, मैंने तो किसी का बुरा किया नहीं, तो पिछले जन्म के जो पाप कर्म हैं उसके लिए क्या तूने नाम जपा, क्या भक्ति इबादत की ताकि वो भोगने ना पड़े? अगर भक्ति नहीं की, दिखावा किया है, तो कर्म भोगने पड़ेंगे, और भक्ति की है तो पहाड़ से कंकर जरूर बन जाएगा। रूहानियत में दिखावे के कोई मायने नहीं है। जो दिखावा करता है, जो ढोंग करता है, वो मालिक से दूर रहता है। दिखावे की जरूरत नहीं, सच्चे दिल से, सच्ची भावना से, सच्ची लगन से जो नाम जपते हैं वही मालिक की कृपा पात्र बना करते हैं। इसलिए सुमरण अति जरूरी है। नाम जपो, अच्छे कर्म करते रहो, सबका भला मांगते रहो, दृढ़ यकीन रखो, प्रभु से डरो, तो यकीनन आपके अंदर बाहर की कमियां दूर होंगी, जीते जी मोक्ष मिलेगी, मरणोपरांत मोक्ष मिलेगी, और कण कण में, जर्रे जर्रे में मालिक के दर्श दीदार आप कर पाएंगे। तो यही भजन में, शब्द में आया था जी। विदेशों से बात करने वाले हैं, ऑकलैंड न्यूजीलैंड से, बोलो भाई बात करो। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी, पिताजी मैं आप जी का बेटा कपिल इंसान न्यूजीलैंड ऑकलैंड से बोल रहा हूँ। पिताजी जी, पिताजी आपकी सेहत कैसी है? पिताजी बेपरवाह जी का रहमो करम है जी, आप सुनाइए। पिताजी सबसे पहले तो बेपरवाह मस्ताना जी महाराज, परम पिता शास्त्रनाम जी महाराज जी के रूप में आप जी को और सारे शाही परिवार को और सारी साथ संगत को गद्दी दिवस की बहुत बहुत लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों बार बधाई हो। पिताजी जी आशीर्वाद। पिताजी मैं, मुझे पिताजी एक साल हो गया पिताजी न्यूजीलैंड आए। पिताजी मैंने बहुत पिताजी पाप किया है। पिताजी आप मुझे वैसे पिताजी 5-6 साल हो गए नाम लिए, पर पिताजी मैं कभी नहीं जुड़ पाया, पता नहीं पिताजी क्यों हुआ ऐसा। और पिताजी मैं गलतियां करता रहा जब इंडिया में था, पर पिताजी जब मैं यहाँ आया मुझे बहुत दुख तकलीफ झेलनी पड़ी पिताजी। फिर भी पिताजी आपने मेरा कहीं ना कहीं, जब भी मुझे लगता था कि मैं गिरने वाला हूँ, तो आपने मेरा साथ दिया पिताजी हमेशा। और पिताजी पिछले 5-6 महीनों से यहाँ ये पीछे बैठे हैं पिताजी, इतनी संगत बैठी है, और इन्होंने मेरे साथ पिताजी मैंने सेवा सुमरन की पिताजी। और पिताजी अब आप जी, मुझे लगता है कि आप जी मेरा साथ देने लग गए हो पिताजी दोबारा से, और मैं आप जी के साथ जुड़ने लग गया हूँ। तो पिताजी उन गलतियों के लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ पिताजी, और मुझे माफ करो पिताजी उन चीज के लिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। बेटा नारा लगा दीजिए और लगातार सुमरण कीजिए, वचनों पे रहिए। तेरा ही आसरा पिताजी। पिताजी मैंने 5 तारीख को पिताजी लाइव मैसेज भेजा था जी कि मेरा कल इंटरव्यू है जी जॉब के लिए, तो आपने पिताजी मेरे को आशीर्वाद दिया था। तो आज सुबह जब मैं पिताजी में उठा तो अपना एक प्रेमी भाई है तो मैं उनसे मिला, तो मैंने उनको कहा मैं देख आज मेरी शाम को पिताजी से बात हो रही है, और मेरे को दिन में कोई ना कोई फोन या कोई मेल आ जाएगी उनकी कि मेरी जॉब लग गई है। तो पिताजी मैंने 15 मिनट बाद जाके चेक किया, मेरी को आ गई पिताजी की मेरी जॉब लग गई है। तो पिताजी उसके लिए बहुत 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 थैंक यू पिताजी जी। बेटा दृढ़ विश्वास रखो बेटा, मालिक हर काज संवारते हैं। थैंक यू पिताजी। पिताजी हिम्मत देना पिताजी कि मैं अगर जुड़ा हूँ तो हमेशा हमेशा के लिए ही जुड़ा रहूँ पिताजी। जितनी सेवा सुमरण हो सकेगा पिताजी मैं उतना करूंगा, बढ़ चढ़ के करूंगा पिताजी। बस दृढ़ विश्वास रखो बेटा और सुमरण करते रहो, वचनों पे रहो, तो मालिक हमें नहीं छोड़ता।
जी पिताजी, पिताजी मेरा नारा और मेरे परिवार का, और ये मेरा परिवार बैठा है पिताजी मेरे साथ न्यूजीलैंड के साथ संगत, इन सबका नारा कबूल करना है पिताजी, और हम सब हिम्मत करके पिताजी सेवा सुमरण करें बढ़ करके, और न्यूजीलैंड का भी नाम कमाएं, और पिताजी आपका नाम भी बहुत ऊंचा करें पिताजी। जी बेटा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सबको आशीर्वाद। जी पिताजी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा पिताजी। जी बेटा आशीर्वाद। पिताजी प्रसाद है पिताजी, ड्राई फ्रूट पिताजी, इसको प्रसाद बना देते। जी बेटा, मालिक से दुआ करते हैं प्रसाद बन गया बेटा, सब लोग ले लेना, मालिक खुशियों से नवाजे, आशीर्वाद। थैंक यू, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा पिताजी। तो प्यारे सत्संग जी, लाइव मैसेज है, सात संगत हैदराबाद, प्यारे पिताजी आप जी ने नाम चर्चा टीम के द्वारा आप जी की पावन दृष्टि का जो प्रसाद भेजा उसे पाकर सात संगत बहुत खुश है जी, और इसके लिए तहे दिल से आप जी का धन्यवाद करती। वेबकैम पर एयरफोर्स के ऑफिसर भी आप जी के दर्शन कर रहे हैं जी, सारे सात संगत पर इसी तरह की रहमत बनाए रखना जी, हैदराबाद की सारी सात संगत आप जी का बेसब्री से इंतजार कर रही है। जी बेटा, आप सब लोग सात संगत बैठी हमें नजर आ रही है, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बचनों पे रहो, आगे बढ़ो, मालिक खुशियां बख्शे बेटा, सबको बहुत आशीर्वाद। शास्त्री समझकर स्कूल व कॉलेज श्री गुरुसर मोड़िया, प्यारे पिताजी हमारे स्कूल के हैंडबॉल अंडर 17 के 3 खिलाड़ियों ने स्टेट खेलने जाना है जी, सफलता के लिए आशीर्वाद चाहते हैं, बिस्कुट है प्रसाद बना दीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो बेटा, प्रसाद ले लेना, मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। विदेशों से आए हैं जी राकेश इंसान, हांगकांग से, और ये दिन के मध्य बैंक में 10,000 रुपए जमा करवाते हैं, आशीर्वाद बेटा, मालिक घरों में खुशियां बख्शे, मालिक से प्यार बढ़े, आशीर्वाद प्रसाद ले लेना, और साथ संग ठीक ठाक बेटा। जी बेटा आशीर्वाद आशीर्वाद। पहली बार विदेश जाना है सुखदेव रामिंग सा, गुरप्रीत गौर इंसा, MHJM ब्लॉक में मिलके जाना बेटा, सुमन करते रहना, बचनों पर पक्के रहना, मालिक साथ है बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद प्रसाद ले जाना। देश विदेश में साथ संगत अपना काम धंधा करते, 482 के करीब टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और 1326 लाइव वीडियो कनेक्शन पर हजारों की तादाद में लाइव देख रहे सुन रहे हमें नजर आ रहे हैं जी, बहुत सारे परिवार बैठे, भगवंत इंसा, गुरनाम इंसा परिवार, परमजीत इंसा परिवार, भाग इंसा परिवार, गुरुदेव इंसा परिवार, सरीबीसी कैनेडा, मोना में नीतू इंसा एब्सपोर्ट कैनेडा, जसविंदर इंसा कैलगिरी कैनेडा, जसविंदर इंसा एडमिंटन कैनेडा, जसवीर इंसा व परिवार कैलगिरी कैनेडा, अमनदीप इंसा परिवार विनीपैग कैनेडा, साहिल इंसान, दलजिंदर इंसान परिवार टोरंटो कनाडा, मिक्की इंसान परिवार ब्रैम्पटन कनाडा, इटली की सात संगत, परमजीत कौर परिवार कश्मीर इंसान परिवार बरगामो, इकबाल इंसान भंगीदर परिवार, हरजिंदर इंसान परिवार तरवीजो, सोनम इंसान, राजीव इंसान फ्लोरेंस, अविनाश इंसान परिवार लोधी, रवि दत्ता, लक्ष्मण इंसान, अमृत इंसान, वंदना लतीना, प्रदीप इंसान विचेंसा, राम इंसान, श्यामलाल इंसान भंगीदास रोम, ये सब इटली से थे। अमेरिका से अवतार इंसा परिवार सैक्रामेंटो, बूटा जी का परिवार बोस्टन, गुरुदेव सिंह परिवार न्यूयॉर्क, नीलम बे परिवार अटलांटा, आगे हैं जी जर्मनी से रमेश इंसा परिवार वर्लिन, जगतार इंसा परिवार ऑरिच, डॉक्टर मोहित इंसा साइंटिस्ट परिवार रोस्टक, और ऑस्ट्रेलिया से हैं जी ढोल बादशाह व सतमीत इंसा, अजय इंसा मेलबोर्न, सीमा इंसा वृंदा इंसा, गुरप्रीत इंसा, मुकेश इंसा सिडनी, रूपिंदर इंसा, संजीव इंसा भंगीदास हैं ब्रिस्बेन, राजेंद्र इंसा भंगीदास सात संगत परमप्रीत पर्थ, और यूएई से हैं जी रणकौर इंसा, सात मेंबर परिवार अजमान सिटी, गुरप्रीत इंसा सात मेंबर मसाफी, सूरजवान इंसा सात मेंबर परिवार दुबई, सुखदीप व परिवार गुरमेल इंसा का परिवार, जगराज इंसा व परिवार, हरविंदर सिंह व परिवार, जसवंत इंसा व परिवार मनीला फिलीपाइंस, बाकी है कल्पना इंसा, दीपक इंसा सत्यारीत बीजिंग चाइना, प्रदीप इंसा, गुरजीत इंसा सिंगापुर, धर्मवीर वैसा संगत, गुरजीत इंसा, किरण इंसा, सत्येंद्र इंसा यूके, रणजीत इंसा, कपिल इंसा, सुखविंदर कौर इंसा परिवार न्यूजीलैंड, गुरदीप इंसा भंगीदास परिवार, भूपेंद्र इंसा परिवार दोहा कत्तर, मंजू इंसा परिवार मस्कट, सुखविंदर इंसा परिवार ऑस्ट्रिया, दीवान चंद इंसा सात संगत मलेशिया, शास्त्राम जी गर्ल स्कूल बुधनी मध्य प्रदेश भारत, शास्त्राम जी गर्ल स्कूल व कॉलेज गुरुसर मोड़िया, और शास्त्राम जी बॉय स्कूल गुरुसर मोड़िया, हरियाणा पंजाब राजस्थान यूपी दिल्ली चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश उत्तराखंड अहमदाबाद बड़ौदा गुजरात हैदराबाद आंध्र प्रदेश असम कलकत्ता पश्चिम बंगाल सांगली नागपुर पुणे मुंबई महाराष्ट्र बेंगलोर कर्नाटक चेन्नई तमिलनाडु केरल जम्मू कश्मीर उड़ीसा बिहार झारखंड गोवा सब जगह सात संगत बैठी हुई है जी, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। शास्त्र जी की नेशनल का प्रशासन एक भाई एक बहन, बहुत बड़ी बात है बेटा, और
बहुत अच्छी बात है, माँ बाप धन्य होते। सो नारा लगा के बैठ जाइए जोर से, प्रसाद ले लेना जी, बैठ जाइए। बबलू इंसा महाराष्ट्र से दर्शन करने आए हैं जी, बहुत स्वागत आपका, आशीर्वाद प्रसाद ले लेना बेटा आशीर्वाद। शाह समझी गर्ल स्कूल सरसाकान शूटिंग के खिलाड़ियों ने हरियाणा स्टेट इंटर स्कूल चैंपियनशिप में 2 गोल्ड 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है जी, और इसमें शाही बेटी गुरंश भी है। 4 खिलाड़ियों का इंटर स्कूल नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ है। खड़े हो जाएं। हैंडबॉल के 8 और वॉलीबॉल के 2 खिलाड़ियों का पायका स्टेट के लिए सिलेक्शन हुआ है जी। बेटा बच्चनों पे पक्के रहना, सुमन करते रहना और टैलेंट दिखाओ, मालिक खुशी से नवाजे, प्रसाद लेना। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। बैठ जाइए। ब्लाक बठिंडा से 4 जोड़ी आंखें दान की हैं जी। नेत्रदानी सुरेंद्र कुमार इंसा, मेहर सिंह, उजागर सिंह, हरदीप सिंह। आंखें दान महादान बहुत बड़ी बात है, तो जो सेवादार लेके आए हैं प्रसाद ले लेना बेटा, परिवारों को देना, उन परिवारों को भी प्रसाद देने में आंखें दान करवाई हैं, और कहना पिता ने आशीर्वाद भेजा, आंखें दान महादान, मालिक खुशियां बख्शी आशीर्वाद। घर जाने वाले सेवादार 7 से 200 दिन वाले खड़े हो जाओ। ब्लाक मोगा से 57, बागा पुराना से 99, 4 दिन की सेवा की है, और घोड़ा ट्राले के साथ 4 दिन की सेवा की, तो ये बहन भाई खड़े हो जाए। तो जितनी सेवा की है, सेवा श्रीमंत सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक आपकी झोलियों में डाले। सारे परिवारों को ना पिता ने आशीर्वाद भेजा, घरों के लिए प्रसाद लेना, खुद भी लेना, परिवारों को भी देना, मालिक खुशियों से नवाजे, आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। बैठ जाइए। बीमार व बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना, मालिक से प्रार्थना में दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं। जितनी बार दवाई लेनी, पहले आधा घंटा नाम जपना, कैंसर या लाइलाज मेरा दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते, करने वाला मालिक मानना अपने। गरीबों का इलाज सात संगति की तरफ से यहां फ्री है जी। खाने पीने की अनजाने में जिनसे गलती हुई, बैठे बैठे नारा लगा दे, मालिक जरूर माफ करेंगे। 3 बचनों में पहली बार गलती हुई, जल्दी से खड़े हो जाओ, इधर उधर मत देखो। 3 बचनों में पहली बार गलती हुई है तो जल्दी से खड़े हो जाइए, गलती करनी नहीं चाहिए, खुशियां बहुत पीछे चली जाती हैं। चलो आप सच्चे दिल से माफी लेंगे, सुमरण करेंगे तो मालिक फिर से रहमत करेंगे। तो सबको आशीर्वाद कह रहे हैं, आशीर्वाद आशीर्वाद, नारा लगा के बैठ जाइए, मालिक माफ करेंगे। खजाने वाला सिक्का गुम हुआ, नारा लगाते माफ है। सुबह 6 से रात के 10 बजे तक और सर से रात जो सेवा करते हैं, मालिक से दुआ करके अलग से प्रसाद, मालिक अलग से खुशियों से मालामाल करें। सो सुमरण करते रहे। 4 बहन भाइयों ने दिन के मध्य बैंक में पैसा जमा करवाया, वो खड़े हो जाए जी। तो मालिक से दुआ करते हैं, मालिक आपका आपस में घर में प्यार बढ़ाए, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, और मालिक रहमो करम से नवाजे, सेवा श्रम में मन लगे, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। बैठ जाइए। ब्लाक मानसा से 2 जोड़ी आंखें दान की है। नेत्रदानी तेजा सिंह, सुरजीत कुमार, खड़े हो जाए जी। तो उन परिवारों को जाके प्रसाद देना, कहना नेत्रदान महादान बहुत बड़ी बात, आशीर्वाद अपने परिवार के लिए, खुद के लिए प्रसाद लेना, मालिक खुशियां बख्शे बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद, शाबाश। हरियाणा ब्लाक रानिया चावल जिला सरसा के साथ संगत ने एक जरूरतमंद विधवा बहन बलविंद्र कौर इंसा पत्नी सचखंडवा सिर बूटा सिंह निवासी रानिया को पूरा घर बना के दिया जी, चाबी दिलवाना चाहते हैं। समूह साथ संगत ब्लाक रानिया खड़े हो जाए। तो जो भी किसी का आप घर बनाते, तन मन धन से जिन्होंने सेवा किया, मालिक घरों में खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे, खुशियों से मालामाल करे। प्रसाद लेना जो साथ संगत ने, उनके लिए भी प्रसाद लेके जाना। सो आशीर्वाद, जिन्होंने तन मन धन से सेवा की सबको बहुत खुशियां दे, मालिक आशीर्वाद। तो बेटा बचनों पर पक्के रहना, बचनों पे पके रहना, सुमन करते रहना, घर आपके लिए सुख देने वाला हो, मालिक से दुआ करते हैं, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। अली का सरसा सेन की लड़की ने छोटा छोटा नाम लिया, तो उम्र 15 साल, खड़े हो जाए जी, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया है। तो जिसने नाम लिया होता वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोक का नाम ही जरूर जाती है। अस्थियां फूल लेके आए, या तो खुद का खेत है, गहरा गड्ढा खुद के बांध बाधो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के परवाह कर दो, ये तो मिट्टी है, आत्मा को मालिक जो तेरे जिधाम लेके जाते हैं। सो प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना है जी। जो जख्म देता मरम जरूर देगा बेटा, सो मालिक रहमत का दाता है, वो रहमो करम बरसाता है। साथ संगत में अगर कोई नशा छोड़ना है, 7 दिन के लिए यहां पर रुक जाओ, परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे, 7 दिन सेवा सिमरन करने से गंदे से गंदा नशा छूट जाता है। लेकिन ख्याल रखिए, परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे, और जब नशा छोड़ के जाओ, यार दोस्त जो नशेड़ी हैं उनका संग सोहबत हर किसी नहीं करना, ये पूरा पूरा ख्याल रखना है जी। बाकी सत्संग में प्रसाद पहने, शादी कपड़े, बच्चे कपड़े, गाड़ी की चाबी, मकान की चाबी लेके आए कि आशीर्वाद लेना, बैठे बैठे ये सामान ऊपर कर लो। तो सारी सत्संगत को अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद कहते हैं, बच्चा नेक अच्छा इंसान बने, मालिक से दुआ करते हैं, और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। तो जो भी सत्संगत आश्रम में सत्संग में चल के आइए, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। आया अनुक शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। बस थोड़ा सा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सज रहिएगा, बैठे रहिएगा, उसके बाद जाने का विचार समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं। रहने का जैसे सेवादार भाई बताए, रहना, सेवा करना, आराम करना है, पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा।
सज रही है गज। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सारी संगत को सूचित किया जाता है कि शहर से लेकर आगे नेजिया गांव तक आपने किसी ने भी जमीन या प्लाट वगैरह नहीं खरीदना। अगर आपको प्लाट की जरूरत है कमरा नंबर 50 में मिलकर अभी ले सकते हैं। इस प्रार्थना को सारी संगत ने मानना है और सभी ने गुरमुख बनना है। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। जो भी बहन या भाई लंबे समय से बीमार हैं, पहले प्रसाद नहीं लिया और जो नशा छोड़ने के लिए आए हैं, भाइयों ने भाइयों वाले साइड में आगे आकर और बहनों ने बहनों वाली साइड में आगे आकर प्रसाद ले लेना है जी। आश्रम में काफी जगह पर सेवा चली हुई है, जो भी सेवा करना चाहते हैं आप अपने अपने प्रांत के 25 मेंबरों से मिलकर सेवा कर सकते हैं जी। सुबह की मजलिस का समय 8 बजे का है और पंडाल में जो बुजुर्गों वाले कैबिन है इनमें केवल बुजुर्गों ने बैठना होता है। लंगर भोजन जब भी आप आश्रम में ग्रहण करते हैं तो श्रद्धा के साथ लंगर ग्रहण क्या करें, बेकार बिल्कुल भी न जाने दिया करें जी। बहनों ने बहनों वाले पंडाल में ही आराम करना है, भाइयों वाली साइड में नहीं आना और भाइयों ने भाइयों वाले पंडाल में ही आराम करना है। आप पूजनीय गुरु जी के हुक्म अनुसार आप सभी को जाने की इजाजत है जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा।